नमस्ते, मैं अनिल कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं। तो बताइएगा क्या हालचाल है आपका। आज हम 4 बजे लाइव क्लास में रूटीन के हिसाब से आ गए हैं और ऑडियो और वीडियो पर ध्यान दीजिएगा, सब कुछ सही है तो हमें बता दीजिएगा। और आज की क्लास जो चल रहा है फिजिक्स का मास्टर कोर्स, ध्यान देना, फिजिक्स का जो मास्टर कोर्स चल रहा है इसका क्लास फिजिक्स मास्टर कोर्स फॉर 11th 12th नीट एंड जेई लाइव एट 4 PM प्रत्येक दिन यूनिट एंड मेजरमेंट चल रहा है टॉपिक, है ना। इसका आज लास्ट क्लास है थ्योरी का, इसमें डे नंबर 19 हो गया, वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज इसमें चलेगा। क्या चलेगा इसमें? वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज, ध्यान देना है। इसमें क्या चलेगा? वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज, सही है, वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज। देखते हैं वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज में क्या सब है। इस क्लास में क्या टॉपिक होगा आज का? वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज, स्क्रू गेज। तो चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं अपने स्लाइड पे। फिजिक्स का मास्टर कोर्स है, आप लोग जो लोग देख रहे हैं सब लोग तो लाइक कीजिए, अगर आप लोग चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि ये पर डे अपने रूटीन हिसाब से चलती है। यहाँ 4 PM लिखा हुआ है लेकिन 4:15 से लाइव स्टार्ट होता है, 15 मिनट आप लोग को ध्यान में रहे, 4 बजे स्टार्ट होता है तो 15 मिनट पहले तैयार हो जाए, इसलिए ऐसा किए हैं। और बाकी इसका कोई मोटिव नहीं है, और सब लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और शेयर आप लोग भी नहीं करते हैं तो शेयर भी अवश्य करें आप लोग। जैसे हमें लोगों को जानकारी होना चाहिए कि आप लोग के पास जो होता है स्केल लेंथ मापने वाला, उसमें क्या होता है, इस तरह का फीट स्केल होता है जिसमें एक तरफ इंच बताता है और एक तरफ सेंटीमीटर बताता है ना, क्या बताता है? सेंटीमीटर, ठीक है। अब सेंटीमीटर तो बताती है लेकिन इसमें बात क्या हो जाता है कि सेंटीमीटर का जो एग्जैक्ट मापता है ये, जैसे मान लो कि ये सेंटीमीटर में 10 डिवीजन रहता है, डिवीजन मतलब 10 भाग, इसको क्या रहता है जैसे ये होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो मतलब ये क्या होता है कि अगर आप इसको मापेंगे तो मान लो कि इसी लेंथ को मापते हैं, है ना, तो आपको ये माप क्या देगा? 4.5 सेंटीमीटर दे देगा, 4.6 सेंटीमीटर दे देगा, 4.7 सेंटीमीटर दे देगा। ये 4.5 सेंटीमीटर देगा, 4.6 सेंटीमीटर देगा और 4.7 सेंटीमीटर देगा और 4.9 सेंटीमीटर तक दे सकता है ना। ये स्केल, जो स्केल आप लोग को दिख रहा है इसकी बात करते हैं, इसमें क्या है कि अगर 4.5 सेंटीमीटर देता है तो वो 5 एग्जैक्ट होगा कि नहीं होगा, इसमें हम लोग क्या रहते हैं? सस्पेंस रहता है। अगर हम बात करें इस स्केल का, ये जो स्केल है हमारे पास, इस स्केल का सबसे कम मापने का वैल्यू कितना है, सबसे कम कितना लेंथ को ये माप सकता है? तो सबसे कम माप सकता है 0.1 सेंटीमीटर, इससे कम को ये माप नहीं सकता है। तो मतलब ये हो गया कि 0.1 सेंटीमीटर इसमें हमेशा सस्पेंस में रहेगा, है ना। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट सबसे कम फिजिकल क्वांटिटी को जो मेजर कर लेता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीस्ट काउंट, याद रखना, हम लोग क्या बोलते हैं? लिस्ट काउंट बोलते हैं, सही है। क्या बोलते हैं हम लोग? लिस्ट काउंट बोलते हैं, ध्यान से सुनना, लिस्ट काउंट बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे पास सामान्य जो स्केल होता है उसका लिस्ट काउंट कितनी होती है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? 0.1 सेंटीमीटर। मतलब अगर यहाँ आपसे देखते हैं तो अगर 4.5 सेंटीमीटर को मेजर कर रहे हैं तो 5 से क्या हो सकता है? थोड़ा कम हो सकता है या थोड़ा ज्यादा हो सकता है, है ना। मतलब 0.1 सेंटीमीटर क्या हो गया? ये सस्पेंसेबल हो गया, मतलब ये हो भी सकता है, इसमें 100% ट्रू एक्यूरेट नहीं होगा, है ना।
4.6, 4.7, 4.8 ये हमारा जनरल इंस्ट्रूमेंट चल रहा है हमारे यहाँ मेजरमेंट में। लेकिन इसी में जब हम आप लोग को हेडिंग लेकर आए हैं स्क्रू गेज लाए हैं ना, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज, इस इंस्ट्रूमेंट ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो जो 0.01 सेंटीमीटर तक मेजर करता है, बहुत ऐसा होता है 0.01 सेंटीमीटर तक भी मेजर करता है। मतलब क्या हो गया कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है एक सेंटीमीटर का 10 पार्ट ही सिर्फ, 10 डिवीजन है तो 10 पार्ट ही सिर्फ क्या करता है ये मेजर करता है। लेकिन स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स जो है ये मिलीमीटर में माप लेता है, 0.1 मिलीमीटर इसका क्या रहता है लीस्ट काउंट रहता है। हम इसी को सीखना है कि स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर से हम किसी भी लेंथ को कैसे मेजर करते हैं। ये दोनों भी क्या है इंस्ट्रूमेंट है, ये दोनों क्या है इंस्ट्रूमेंट है। हम आते हैं अपने टॉपिक पे जो है वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर हमें इसमें सीखना होगा कि इसमें हम मापेंगे कैसे, लेंथ को मापा कैसे जाता है, इसमें हम कैसे रीडिंग करते हैं। और ध्यान रखना कि जेई मेन में, नीट में और जेई एडवांस में एक क्वेश्चन जो है वर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गेज से 100% रहता ही रहता है, इसमें कोई दुविधा नहीं है, इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है। याद रखना वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज से दोनों में से कोई एक टॉपिक से वर्नियर कैलिपर्स रहेगा या स्क्रू गेज रहेगा, नीट में भी, जेई मेन में भी और एडवांस में भी एक क्वेश्चन 100% रहता है। और आप लोग इस वीडियो को देख लो, आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा और एक भी क्वेश्चन आप लोग से जो पूछेगा वो नहीं छूटेगा, पूरे पूरे 4 मार्क्स आ जाएगा। इंट्रोडक्शन है, कहता था मीटर स्केल विच कॉमनली यूज्ड इन प्रैक्टिस, मतलब क्या है मीटर स्केल को हम लोग जनरली प्रैक्टिस में यूज करते हैं। द सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग लेंथ, लेंथ का क्या है ये सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट है। बाय मीटर स्केल वी कैन मेजर अप टू 1 mm, हम कितने माप सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर बोले ना, इसी को हम 1 mm बोलते हैं। क्या बोलते हैं 1 mm, याद रखना 100 सेंटीमीटर एक मीटर, एक मीटर का 100 पार्ट को क्या बोलते हैं 100 सेंटीमीटर, और 1000 मिलीमीटर बराबर एक मीटर, एक मीटर का 1000 पार्ट करते हैं तो उसमें क्या मिलता है 1 मिलीमीटर मिलता है, ठीक है। तो 0.1 सेंटीमीटर बराबर याद रखना जीरो क्या होता है 1 मिलीमीटर होता है, 1 mm होता है, ये याद रखना है, ठीक ना। तो वही कहता है 1 मिलीमीटर मतलब मीटर स्केल से कितना माप सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर बोलो या 1 मिलीमीटर अप टू माप सकते हैं, बिकॉज द लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन मेड ऑन द स्केल इज 1 mm, इसमें जो इस स्केल में जो एक डिवीजन के बीच का लेंथ है वो कितना है 1 mm का, कितना का है 1 mm का, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो है इन ऑर्डर टू मेजर द स्मॉलेस्ट लेंथ एक्यूरेटली अप टू 1/10 या 1/100, 1/10 भाग या 1/100 भाग ऑफ मिलीमीटर द इंस्ट्रूमेंट कॉमनली यूज्ड इन लेबोरेटरी आर, मतलब क्या है कि मिलीमीटर का भी कितना 1/10 पार्ट या 100 पार्ट को एक्यूरेटली मापने के लिए इंस्ट्रूमेंट जो है लेबोरेटरी में यूज होता है उसका नाम क्या है वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज है। क्या नाम है वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज, ठीक है। तो अब हमें तो यहाँ मेली पढ़ाई होना पढ़ना पड़ेगा वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज, तो ध्यान रखना। तो यहाँ पर है वर्नियर कैलिपर्स, ये डायग्राम दिखता होगा ठीक ना, कहता है वर्नियर कैलिपर्स क्या है, वर्नियर कैलिपर्स क्या है, कहता है इट वाज इन्वेंटेड बाय फ्रेंच मैथमेटिशियन पेरियर वर्नियर, पेरियर पेरियर वर्नियर इसको आप जो पढ़ो पेरियर वर्नियर, ठीक है। एंड हेंस इंस्ट्रूमेंट इज नेम्ड वर्नियर, मतलब इस वर्नियर कैलिपर्स को जो है किसने मैथमेटिशियन फ्रेंच का मैथमेटिशियन जो था इन्वेंट किया पेरियर वर्नियर, पियरे वर्नियर, पियरे वर्नियर, पियरे वर्नियर ज्यादा शुद्ध लगता है ठीक ना। इससे क्या कहते हैं यूज टू मेजर एक्यूरेट 1/10 ऑफ मिलीमीटर, मिलीमीटर का कितना पार्ट बना दिया गया 10th पार्ट बना दिया गया, इसको माप दिया जाता है। इसका कंस्ट्रक्शन है ध्यान देखना, इसको हम जॉ बोलते हैं, इस दोनों को जॉ बोलते हैं, जब किसी
चीज को बाहर से मापना होता है तो इस जॉ का उपयोग करते हैं, अंदर से मापना होता है तो इसका उपयोग करते हैं, ठीक ना। अंदर से क्या होता है, अंदर से नहीं होता है, जिस पोखला चीज है उसको अंदर से माप करना है कितना गैप है तो ये पार्ट घुसाते हैं, और किसी की गहराई मापना हो तो ये घुसाते हैं, स्टेम फॉर मेजरिंग डीप। इसमें क्या होता है, एक मेन स्केल होता है, याद रखना ये वाला स्केल जो बड़ा स्केल होता है वो मेन स्केल होता है, इसमें क्या मूवेबल स्केल जो होता है उसको हम लोग वर्नियल स्केल कहते हैं, और ये क्या है इसका ढीला करने वाला, प्राकिस का देते हैं पीछे कर लेते हैं, ठीक ना, इस तरह का है ये, इसको स्क्रू क्लैंप बोला जाता है, और इसमें जो स्केल लगा रहता है इसमें उसको हम लोग बोलते हैं वर्नियल स्केल। जो मूवेबल स्केल होता है उसको क्या बोलते हैं, वर्नियल स्केल। जो बड़ा स्केल होता है उसको मेन स्केल कहते हैं, ठीक है। इससे क्या किया जाता है कि जब भी किसी चीज का लेंथ मापना हो तो इसके जॉ के बीच में क्या कर देते हैं, ऐसे दबा देते हैं और फिर यहां से रीडिंग कर लिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन क्या होता है कि मेन स्केल जो रीडिंग करता है ना, मेन स्केल जो रीडिंग करता है वो आपको किस में करेगा, टू सिग्निफिकेंट में करेगा। जैसे मान लो कि मेन स्केल रीडिंग कर, इसमें ध्यान रखना है, जैसे आप लोग को यहाँ बताए थे ना कि 4.7 सेंटीमीटर, लेकिन 4.7 थोड़ा आगे चला गया था, आगे वाला पार्ट को ये मेजर नहीं कर, 4.7 के बाद फिर 4.8 पे चला जाएगा ये, लेकिन 4.7 और 8 के बीच में कितना लेंथ है वो हम एक्यूरेटली ये लेंथ मेजर नहीं करता है। लेकिन वर्नियर कैलिपर्स में क्या होता है कि जैसे हम किसी को लेंथ मापे हैं 9.7 सेंटीमीटर, है ना, तो हमें यहाँ पर 7 के बाद कितना है, मान लो 2 है 7.2 सेंटीमीटर को भी दिखा देता है, तो हमारे ये वाला मेजर जो है ये पार्ट करता है, ये पार्ट वर्नियल स्केल। याद रखना मेन स्केल और वर्नियल स्केल क्या है, मेन स्केल और वर्नियल स्केल, ठीक है। इसमें हम चलते हैं थोड़ा, इसका कंस्ट्रक्शन हो गया, इसको याद रख लेना, जॉ है फॉर मेजरिंग इनर डायमेंशन, जॉ है फॉर मेजरिंग आउटर डायमेंशन, ये होता है, ठीक है। जब इसको हम मेजर करते हैं, याद रखना जब इसको सटाते हैं, इसका 0 0, इसका 0 0 क्या होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए। अगर इसका दोनों का 0 0 एक साथ नहीं है हम बोल रहे हैं इसमें कुछ एरर है, क्या है, एरर है। एरर क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। एरर का मतलब ये हुआ, मतलब इसका कुछ पार्ट जो है टूटा हुआ है, टूट गया या सही से रीडिंग नहीं कर रहा है, तो जो भी एरर होता है ना, मतलब अगर हम मान लो कि इसमें 0.5 सेंटीमीटर का एरर है, मतलब 0.5 सेंटीमीटर या तो ज्यादा होगा या कम होगा। अगर ज्यादा होगा इसमें पहले से इस चीज को अगर मापेंगे तो क्या करेगा, वो माप उतना ज्यादा दिखाएगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, लास्ट में उसको घटा देते हैं। अगर कम है तो उसमें क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, यही उसका कुछ क्या कहते हो, यही उसका कुछ क्या आ जाता है, एरर आ जाता है। इसमें आगे चलते हैं, इसमें यही देखना होता है कि वर्नियल कांस्टेंट यहां पर कुछ डिफाइंड हुआ है। जैसे मान लो कि ये होता है मेन स्केल, ये क्या होती है मेन स्केल, ये होता है वर्नियल स्केल। वर्नियल स्केल ये वाला कहां सा पार्ट है, ये अंडर वाला पार्ट को यहां पर सेपरेटली दिखाया गया है, ठीक ना। तो वर्नियल, तो यहाँ पर क्या है, वर्नियल कांस्टेंट को डिफाइन करना है पहले। तो वर्नियल कांस्टेंट को जो डिफाइन करना है, ठीक ना, इसमें कहता है क्या कि जैसे मान लो कि ये मान लो क्या इसमें है, ये है ये मेन स्केल, ठीक है। तो मेन स्केल में जैसे ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर, इसमें कितने डिवीजन है, तो 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवीजन है। कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन। लेकिन इसमें देखो ये कौन सा स्केल है, ये वर्नियल स्केल है, इसमें कितना डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी 10 डिवीजन है। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखना होता है, किसका 10 डिवीजन, इसके 10 डिवीजन बराबर नहीं है, मतलब इसके डिवीजन का जो लेंथ है, ये लेंथ है कितना का, 1 mm का, कितना का है, 1 mm का है। लेकिन इसके डिवीजन का लेंथ एग्जैक्टली 1 mm का नहीं है, 1 mm का नहीं है। तो जब ही जहां पर 1 mm रहेगा वहां की बात करेंगे, फिलहाल हम इस सब की बात नहीं करेंगे, फिलहाल हम बात ये करेंगे वर्नियल कांस्टेंट होता क्या है। कहता है क्या, सपोज द साइज ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन इज एस, साइज ऑफ कितना है, साइज जो है 1 ऑफ मेन स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन की साइज कितनी है, एस है, ठीक है। मेन स्केल डिवीजन की साइज कितनी है, एस है। एंड दैट ऑफ द 1 वर्नियल स्केल डिवीजन इज, और वर्नियल स्केल डिवीजन की जो साइज है 1 का, वो कितनी है, b।
कुछ समझे भाई? इसका मतलब इसका एक का साइज कितना है एस और इसका एक का साइज कितना है वी, ठीक है। वर्नियर स्केल के वन डिवीजन का लेंथ कितनी है वी और मेन स्केल के वन डिवीजन का लेंथ कितना है एस, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे क्या, मेन स्केल डिवीजन का लेंथ कितना है एस, वर्नियर स्केल डिवीजन का लेंथ कितना है वी, मान लिए हम, ठीक ना। अब यहां पर कहता है अल्सो सपोज द लेंथ ऑफ एन वर्नियर डिवीजन इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ एन माइनस वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल। यहां पर देखो गौर से देखना, गौर से यहां आप 10 लिए हैं, ठीक ना। तो देखो वर्नियर स्केल यहां पर 0-0 पे है, कहां पे है, दोनों का 0-0 पे है। तो यहां पर देखना है कि यहां का कितना है वर्नियर स्केल का, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डिवीजन जो है वर्नियर स्केल का, 10 डिवीजन जो है मेन स्केल के 9 डिवीजन के बराबर। मतलब यहां से ये यह हो गया, हम लिखे अल्सो सपोज, मान लिए हैं कि एन माइनस वन जो है किसका एमएसडी डिवीजन किसके बराबर है, एन डिवीजन ऑफ किसका वीएसडी का, किसका वीएसडी वर्नियर स्केल डिवीजन का, ठीक है। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन माइनस वन इसका हम क्या मान लिए हैं, एस इक्वल टू एन इंटू वी। यहां से क्या आ गया, एन एस माइनस एस इक्वल टू एन वी। अब एन को इधर ले आओ, एस उधर चला जाएगा, एन एस माइनस एन वी इक्वल टू एस, ठीक है। तो एन माइनस क्या आ गया, दोनों में एन कॉमन आ गया, दोनों में एन कॉमन आ गया, तो यहां पर क्या आ गया, एस माइनस वी इंटू एन इक्वल टू एस, एस माइनस वी इक्वल टू क्या आ गया, एस माइनस वी इक्वल टू एस बाय एन। तो क्वांटिटी एस माइनस वी जो है यही क्या कहलाती है, वर्नियर कांस्टेंट। तो क्वांटिटी क्या लिखेंगे, द क्वांटिटी एस माइनस वी इज कॉल्ड वर्नियर कांस्टेंट, क्या कहलाता है, वर्नियर कांस्टेंट वीसी, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग, वीसी, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, वीसी, ठीक है। मतलब यहां से क्या समझे हैं, यहां से क्या समझ रहे हैं कि एक वर्नियर स्केल का डिवीजन माइनस, सॉरी एक मेन स्केल का डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल का डिवीजन क्या होता है, वो वर्नियर कांस्टेंट होता है, ठीक ना, जो एस बाय एन के बराबर आता है। एस क्या हो गया वर्नियर, एस हो गया मेन स्केल का एक डिवीजन का लेंथ, बट एन क्या आ गया, एन है नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, एन क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, इसको याद रखना है, ठीक ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, लिस्ट काउंट, क्या है लिस्ट काउंट, क्या हमारा लिस्ट काउंट है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। लिस्ट काउंट है, लिस्ट काउंट के बारे में बताए थे किसी मेजरमेंट मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, जो मिनिमम लेंथ ऑफ मतलब मिनिमम फिजिकल क्वांटिटी को जो मेजर करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लिस्ट काउंट। कहता है द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, क्या कहता है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली विद एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लिस्ट काउंट, क्या कहलाती है, लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। फोर वर्नियर कैलिपर्स इट्स लिस्ट काउंट इज इक्वल टू दिस वर्नियर कांस्टेंट, इसका जो लिस्ट काउंट होता है इसका एलसी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एलसी लिस्ट काउंट इक्वल टू क्या लिखेंगे, वर्नियर कांस्टेंट। अब वर्नियर कांस्टेंट अभी हम कितना निकाले थे,
लिस्ट काउंट बराबर क्या था, लिस्ट काउंट बराबर क्या था, एस माइनस बी। क्या है लेंथ ऑफ एस, क्या है लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल, और ठीक क्या है लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू क्या आया था एस वाई एन। एस वाई एन इसको हम लोग क्या कर सकते हैं लॉन्गेज में भी लिख सकते हैं, है ना। लॉन्गेज में क्या लिख लेंगे, लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल, क्या लिख देंगे लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल माइनस लेंथ ऑफ डिवीजन ऑफ वन लेंथ ऑफ, क्या लिख देंगे लेंथ ऑफ डिवीजन, लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल ये आ गया। साथ में ये भी लिख सकते हैं एस क्या है लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ठीक है। और ये जो n है ये n क्या है नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ कॉन्साइड, मतलब ये जो कॉन्साइड कर रहा है ना वो है। जैसे मान लो इसमें क्या है, इसमें इसका जो 10 डिवीजन जो है इसके 9 डिवीजन से कॉन्साइड कर रहा है, ये 10 है ये n वाला, ठीक है। तो n को क्या नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, क्या लिख देंगे n को हम नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कॉन्साइड विद डिवीजन ऑफ मेन स्केल ये आ गया। याद रखिएगा लिस्ट काउंट है, अगर लिस्ट काउंट हमें समझ में आ गया तो हम क्या कर सकते हैं इससे रीडिंग हम आसानी से पता कर लेते हैं, ठीक है। देखो जैसे मान लो कि हमने इसका रीडिंग कैसे होता है, जैसे मान लो इसमें आएंगे दिखाते हैं आप लोग को दिखाते हैं, अगला स्लाइड देख लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग को ये दिखाते हैं रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल, रीडिंग ऑफ क्या है वर्नियर स्केल, तो एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा, ठीक ना। रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल, तो रीडिंग ऑफ वर्नियर हैं क्या लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट जो निकलना है क्या मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल तो आपको बिल्कुल रीडिंग कर देगा, लेकिन जो होता है ना जैसे मान लो कि मेन स्केल रीडिंग करेगा कितना इसमें 7. मान लो 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर के आगे वाला जो रीडिंग करता है वो कौन करता है वर्नियर स्केल करता है, कौन करता है वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल में क्या करना है, वर्नियर स्केल का कितना रीडिंग किया वो और उसका लिस्ट काउंट से गुणा कर देते हैं वो आ जाता है। याद रखना मेन स्केल रीडिंग प्लस n इनटू लिस्ट काउंट, n क्या है नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ मेन ऑफ वर्नियर स्केल कॉन्साइड विद क्या है कॉन्साइड विद मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। इसमें मान लो कुछ एग्जांपल है, ये एग्जांपल है, ठीक है, ये एग्जांपल है, ठीक ना। अब यहां पर देखो कहते हैं द लेंथ ऑफ क्यूब इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, क्या है वर्नियर कैलिपर के हेल्प से एक लेंथ क्यूब का लेंथ को क्या किया जाता है मेजर किया जाता है। जो ऑब्जर्वेशन आर शोन इन फिगर, कुछ इस प्रकार का ऑब्जर्वेशन आया, फाइंड द लेंथ ऑफ क्यूब विद दीज ऑब्जर्वेशन। देखो यहां पर जो मेन स्केल रीडिंग हुआ है, मेन स्केल रीडिंग कितना आया है 9
9.1, 9.2, 9.3, 9.4 ये आया है, और 9.5 ये है, 9.6 ये है, 9.7, 9.8, 9.9 और ये 10 हो गया, सही है। इतना अगर आ रहा है तो मेन स्केल रीडिंग इसमें कितना होगा, अगर इसमें हम लिखेंगे मेन स्केल रीडिंग तो कितना आया है, मेन स्केल रीडिंग, तो मेन स्केल रीडिंग इक्वल टू क्या आया है, यहाँ पे गौर से देखना है, मेन स्केल रीडिंग कितना आया है, ठीक है। तो मेन स्केल रीडिंग देखो यहाँ पे, देखो इसका जीरो ये आ गया, इसका ये जीरो है ना, जीरो, तो जीरो से पहले वाला देखना है क्या है, 9.14, 1, 2, 3, 4, 9.4 सेंटीमीटर, कितना मापा है ये, 9.4 सेंटीमीटर, कितना मापा है, 9.4 सेंटीमीटर, कितना मापा है ये, 9.4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसने माप लिया 9.4 सेंटीमीटर, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। ध्यान देना 9.4, तो देखो 9.4 तो यहां तक एग्जैक्ट माप लिया ये, यहां से यहां तक, लेकिन और यहां जो गया है, यहां ये गया है, ये कितना लेंथ होगा, इसको भी मापना पड़ेगा ना, इसको भी मापना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना, इसका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसका क्या है, 10 डिवीजन है। इसका अगर हम लिस्ट काउंट निकालेंगे, इसका 1 डिवीजन का लेंथ कितना होगा, तो 1 डिवीजन का लेंथ कितना होगा, ध्यान देना, इसमें 1 डिवीजन का जो लेंथ हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर, कितना, 0.1 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर, मतलब हम लोग यहां पर जो लिखेंगे लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट बराबर क्या लिखेंगे, s बाय n, n का तो कितना आ गया इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डिवीजन दिया है, तो 10 दे दिया, लेकिन इसका हम तो ये भी जानते हैं, इसका मेन स्केल डिवीजन 1 डिवीजन का लेंथ, ये लेंथ कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर का 10 पार्ट है, तो 0.1 सेंटीमीटर, कितना आ गया, 0.01 सेंटीमीटर इसका लिस्ट काउंट हो गया, ठीक है। मेन स्केल रीडिंग कितना है, 9.4, हम लोग यहां से पढ़े हैं अभी अभी, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, रीडिंग ऑफ वर्नियर, यहां पर क्या लिखेंगे हम, एल इक्वल टू लेंथ लिख देते हैं, तो मेन स्केल रीडिंग MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस n इंटू VSR वर्नियर कैलिपर्स वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिए हैं, मेन स्केल रीडिंग कितनी है, 9.4 प्लस n का वैल्यू कितना है, 10 इंटू कितना आ गया, 10 इंटू सॉरी
सॉरी सॉरी, यहाँ पर भी वर्नियर, वर्नियर स्केल रीडिंग भी लिखना होगा, वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी है? वर्नियर स्केल रीडिंग देखो ये पांच पे कौन सा ऐड कर रहा है, इसका पांच जो है इसके एक से कौन सा ऐड कर रहा है, तो हम लोग क्या लिख देंगे? पांच लिख देंगे। क्या लिख देंगे? पांच। ये लिस्ट काउंट हो गया, ये एन बराबर हो गया पांच। ठीक है, वर्नियर स्केल रीडिंग याद रखना, यहाँ पे है ना मेन स्केल रीडिंग प्लस एन इंटू लिस्ट काउंट। एन क्या है? एन है नंबर, एन जो है, एन जो है, एन यहाँ पर आप लोग क्या सीख सकते हो, वर्नियर डिवीजन, वर्नियर डिवीजन, डिवीजन को इंसाइड विद मेन स्केल डिवीजन। क्या है ये? मेन स्केल डिवीजन। क्या है ये? मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, यहाँ पर मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू कितना आ गया? 5। हम लोग क्या जानते हैं, एल इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। ये आ गया। यहाँ पर देखो तो 9.4 प्लस एन का वैल्यू कितना आया? 5। और लिस्ट काउंट कितना है? 0.01। यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, एल इक्वल टू 9.4 प्लस 0.05 कितना आ गया? 9.45 सेंटीमीटर आंसर, 9.45 सेंटीमीटर आंसर। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, इस तरह से ये क्वेश्चन क्या होता है? सॉल्व होता है। इस तरह से ये क्वेश्चन क्या होता है? सॉल्व होता है। इस तरह से ये क्वेश्चन क्या होता है? सॉल्व होता है। देखो आसान है, बिल्कुल हल्का है, इसमें कोई भारी वाली बात नहीं है। हमें क्या करना होगा, मेन स्केल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन स्केल डिवीजन क्या है वो तो आपको डायरेक्ट लिख देना है लेंथ में। उसके बाद क्या है हमारे पास, वर्नियर स्केल कितना मापता है उसको ऐड करना होता है। तो वर्नियर स्केल में क्या करते हैं, नंबर ऑफ डिवीजन कौन सा ऐड कर रहा है वो लिख लेना है, ठीक ना, उसका लिस्ट काउंट से क्या करके गुना करके जोड़ देना है। सिंपल सा है, क्या है ये? सिंपल सा है ना, क्या है ये? सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, क्या है ये? बिल्कुल सिंपल है, क्या है ये? बिल्कुल सिंपल है। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। अगला एग्जाम्पल पीछे है, कहता है वाइल मेजरिंग द लेंथ बाय वर्नियर कैलिपर्स रीडिंग ऑन द मेन स्केल। मेन स्केल कितना रीडिंग करता है? 0.4 सेंटीमीटर। मेन स्केल रीडिंग कितनी है? 6.4 सेंटीमीटर, सही है। एंड द 8 डिवीजन, कितना डिवीजन है? 8 डिवीजन, एन इक्वल टू क्या दे दिए? 8। ऑन द वर्नियर इज इन द लाइन विद मार्किंग ऑन द मेन स्केल डिवीजन। इफ द लिस्ट काउंट ऑफ, इसका लिस्ट काउंट कितना दे दिया है? 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड जीरो एरर, यहां दिया है -0.04 सेंटीमीटर। मतलब ये है कि यहाँ पर जो निगेटिव एरर दिया है ना, जितना हम मापते हैं उसमें इतना ये कम दिखाता है। क्या दिखाता है? उतना ये कम दिखा रहा है। तो लास्ट में इसको क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे। यहां से लेंथ इक्वल टू लिखेंगे, क्या लिख, मेन स्केल रीडिंग कितना है? 6.4 प्लस नंबर ऑफ डिवीजन कौन सा ऐड? एन गुने, इसका लिस्ट काउंट कितना है? 0.01। मतलब यहां पर क्या कर दिए हम? लिस्ट काउंट। अब प्लस में ये डाटा डाल देना है, क्या करना है? प्लस में डाल देना है 0.04। मतलब जितना ये कम दिखा रहा है, अगर प्लस में रहता तो क्या होता है, ये ज्यादा दिखाता।
ठीक है, प्लस में रहता तो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें क्या है, कुछ एरर है, वो यही एरर बता रहा है कि ये माइनस एरर है, मतलब जितना हम मेजर करते हैं उसमें इतना ही एग्जैक्टली कम दिखाता है। इसको हम क्या कर देंगे, लेंथ जो मेजर होगा उसमें इतना कम दिखाएगा, इतना ऐड करेंगे तो प्रॉपर आंसर हमें मिलेगा। यहां से आ गया 6.4 प्लस 8 इंटू 0.01 प्लस 0.04। यहां से क्या आ गया 6.4 प्लस 0.08 प्लस 0.04। यहां से क्या आ गया 6. सबको ऐड करो, 8 4 12 का 2 4 1 5, 6.52 सेंटीमीटर ये आ गया। सबको ऐड करेंगे तो यही आ गया, और यही इसका क्या आ गया आंसर, यही इसका क्या आ गया आंसर, यही इसका क्या आ गया आंसर, सही है, यही इसका क्या आ गया आंसर। अब चलते हैं हम लोग स्क्रू गेज पे, इस पे चलते हैं स्क्रू गेज पे, ध्यान देना स्क्रू गेज में इसी तरह से मेजर करता है वर्नियर कैलिपर की तरह, बस इसमें क्या है इसका मैकेनिज्म थोड़ा अलग है, इसका मैकेनिज्म थोड़ा क्या है अलग अलग है। पता है इट इज यूज्ड टू मेजर अ स्मॉल लेंथ लाइक डायमीटर ऑफ वायर, थिकनेस ऑफ सीट ईटीसी, इट इज कंसिस्ट ऑफ यू शेप्ड मेटल फ्रेम, किस तरह का मेटल फ्रेम रखा है यू शेप का, मेन स्केल विच ग्रेजुएट इन मिलीमीटर, मेन स्केल किस में रहता है मिलीमीटर में रहता है, हाफ ऑफ मिलीमीटर या हाफ ऑफ मिलीमीटर में रहता है, द मेन स्केल ऑल्सो कॉल्ड पीच स्केल, मेन स्केल कौन सा है इसका पीच स्केल, ये वाला स्केल जो है ये वाला यहाँ इसका दिखाता है, इज कॉल्ड सर्कुलर या हेड स्केल, द ऑब्जेक्ट हुज लेंथ टू बी मेजर, जिस ऑब्जेक्ट का हमें लेंथ क्या होता है मापना पड़ता है, इट मेजर इन ग्रिप बिटवीन द स्टूड्स पी एंड क्यू, स्टूड पी और क्यू के बीच में क्या करते हैं उसको रख देते हैं बाय मूविंग द रीचर आर, इससे क्या करते हैं इसको टाइट करते हैं ढीला करते हैं ये आगे बढ़ता है, ठीक ना, ये क्या करता है आगे बढ़ता है। अब इसमें क्या आप लोगों को देखना होगा पिच किसे कहते हैं, ठीक ना, आप लोग देखना कोई बोल्ट होता है ना उसमें फेरा होता है ऐसे, ठीक ना, स्प्रिंग को समझ सकते हो, तो स्प्रिंग के क्या होता है एक दो लगातार फेरों के बीच का दूरी होता है उसको हम पिच कहते हैं। ये भी बोलते हैं कि अगर किसी स्क्रू को अगर हम एक चक्कर पूरा घुमाते हैं तो जितना लेंथ टाइट करती है जितना दूरी वो आगे बढ़ता है या पीछे बढ़ता है उसी को हम क्या बोलते हैं पिच बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना पिच क्या है, फिर इसका लिस्ट काउंट की बात कर लेंगे। तो पिच कहता है इट इज डिफाइंड एज द लीनियर डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू, क्या है इट इज डिफाइंड एज द लीनियर डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू फॉरवर्ड और बैकवर्ड व्हेन वन कंप्लीट रोटेशन, एक पूरा रोटेशन में जितना फॉरवर्ड और बैकवर्ड लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल कर उसको क्या कहते हैं हम लोग गिवन इन अ सर्कुलर कैप, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं पिच बोलते हैं। जैसे मान लो ना कि कोई स्प्रिंग है, ठीक है, जो इसके बीच जो होता है दूरी को क्या हम लोग बोलते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं पिच। अगर मान लो इसको एक चक्कर घुमाएंगे स्क्रू का अगर ये पिच है तो इतना दूरी क्या होगा ये ट्रेवल कर देगा। अब इसमें लिस्ट काउंट क्या होता है, तो लिस्ट काउंट इसमें डिफाइन किया है पिच बटा टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, क्या है पिच बटा टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, क्या है ये सर्कुलर स्केल है, ठीक है। इसमें भी एरर होता है, याद रखना इसका जीरो और इसका जीरो, इस नाचने वाले का जीरो है लीनियर वाला का जीरो एक साथ रहेगा तो हम बोलेंगे जीरो एरर, कितना एरर है जीरो है। अगर ये क्या है थोड़ा पीछे है या थोड़ा आगे है, मतलब जीरो जीरो पे नहीं है, जीरो इसके जीरो इसके पांच से है, मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव एरर है, क्या है ये पॉजिटिव एरर है, पांच ज्यादा दिखाएगा। अगर मान लो इसका नीचे वाला फाइव इसके जीरो के बराबर है तो उसको हम क्या बोलेंगे निगेटिव एरर है, हम कुछ नहीं उसी तरह हमें ऐड कर देते हैं कुछ नहीं, ठीक ना। इसमें बस इतना ही है, ये डायग्राम आप लोग से बनेगा तो लीजिएगा। अब चलते हैं इसको रीडिंग कैसे होता है, इसमें भी रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज है वही मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग गुने लिस्ट काउंट गुने लिस्ट काउंट, है ना। सर्कुलर स्केल रीडिंग वही नंबर ऑफ डिवीजन यहाँ पर कहलाएगा, वहां भी क्या था नंबर ऑफ डिवीजन था, ठीक ना। दोनों में सेम फॉर्मूला है, सब कुछ सेम है, बस दोनों का मैकेनिज्म अलग अलग है। इस पर एग्जाम्पल देख लेते हैं, कहते हैं इन फोर
रिवॉल्यूशन ऑफ द कैप, मतलब चार चक्कर लगाता है। तो द डिस्टेंस ट्रिपल ऑन द पिच साइड इज 2 एम, क्या है चार चक्कर में जो है 2 mm कटता है। हमें पिच किसको कहते हैं, एक चक्कर में कितना जाएगा, कहते हैं इफ देयर आर 50 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल देन कैलकुलेट द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। देखो 50 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल है, हमें सबसे पहले पिच निकालना होगा। पिच निकालना क्या कहते हैं, एक चक्कर में, ये कितने चक्कर में 2 mm है, तो 2 mm है कितने चक्कर में, 2 mm है चार चक्कर में, तो चार से भाग दे दिए। अगर एक चक्कर में रहता तो फिर वही आ जाता पिच, यहां से क्या आ गया 1/2 mm, कितना आ गया इसका 0.5, सही है, इसका क्या आ गया पिच आ गया, ठीक है। अब इसी में कहता है लिस्ट काउंट क्या होगा, तो लिस्ट काउंट बराबर क्या होता है पिच, पिच बटे नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। यहां पर क्या आ गया पिच का लेंथ कितना आ गया 0.5 mm, पिच इसका डिवीजन कितना है 50, यहां से आ गया 50। अब इसको काटो, काटो तो कितना आ जाएगा 50 है, 0.5 है, इसमें 10 से गुना कर देंगे 100 गुना कर देना पड़ेगा, है ना, 1/100 mm आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/100 mm, इसका लिस्ट काउंट आ गया। देखो मिलीमीटर का भी 100वां पार्ट ये मापेगा, मिलीमीटर का कौन सा पार्ट मापेगा, ये 100 पार्ट मापेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, ये है अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है इन 4 कंप्लीट कैप द डिस्टेंस ट्रेवल ईच इज 2 mm, वही इसमें हम पिच फाइंड करेंगे तो कितना होगा, दोनों क्वेश्चन है क्या बनाएंगे, दोनों क्वेश्चन तो सेम आ गया, और भी क्वेश्चन है क्या, हाँ यहाँ पे है ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस फॉर मेजरिंग लेंथ, कहता है इसमें से कौन सी डिवाइस है जो मोस्ट प्रिसाइज है, मोस्ट प्रिसाइज का मतलब ये होगा कौन सा है जो डेसिमल के ज्यादा, डेसिमल से ज्यादा प्लेस तक मेजर कर सकता है, जो डेसिमल से ज्यादा प्लेस तक मेजर करता है उसी को हम ज्यादा प्रिसाइज बोलते हैं, क्या बोलते हैं ज्यादा प्रिसाइज बोलते हैं। देखो तब इसका हम लिस्ट काउंट देखेंगे, जिसका लिस्ट काउंट सबसे कम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे ज्यादा प्रिसाइज, क्या बोलेंगे हम लोग ज्यादा प्रिसाइज, जिसका लिस्ट काउंट क्या होगा सबसे कम होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे ज्यादा प्रिसाइज, ध्यान से सुनना है, जिसका लिस्ट काउंट क्या होगा सबसे कम होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे ज्यादा प्रिसाइज, ठीक ना, जिसका लिस्ट काउंट क्या होगा सबसे कम होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे ज्यादा प्रिसाइज, ठीक ना, जिसका लिस्ट काउंट क्या होगा बहुत कम होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे ज्यादा प्रिसाइज बोलेंगे, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे ज्यादा प्रिसाइज बोलेंगे, सही है ना। हमें यहाँ पढ़ना है कि वर्नियर कैलिपर्स विद 20 डिवीजन ऑन स्लाइडिंग स्केल कॉन्सेंटिंग विद 19 मेन डिवीजन स्लाइड स्केल, देखो इसका अगर हम लिस्ट निकाल लेंगे ए नंबर का लिस्ट काउंट, तो लिस्ट काउंट क्या है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, है ना। यहाँ पर कहता है कि 20 मेन स्केल डिवीजन जो है, 20 जो है किससे कॉन्साइड करता है 19 मेन स्केल डिवीजन से, मतलब 19 S इक्वल टू क्या आ गया 19 मेन स्केल डिवीजन इक्वल टू 20 वर्नियर स्केल डिवीजन के इक्वल है, मतलब ये हो गया कि 19 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल कौन सा है 20 मेन स्केल डिवीजन है, तो 19 वट्टे MSD लिखेंगे
20 तो क्या जाएगा 1 BSD मेन स्केल रीडिंग है ना। तो यहां पर देखो तो 1 MSD माइनस 1 BSD की जगह पर क्या दे देंगे 90/20 MSD है ना। तो यहां से क्या आ गया 90/20 लिखेंगे तो 20 माइनस 19/20 मतलब 1/20 इक्वल टू 0.5 क्या लिखेंगे हम लोग 0.05 सेंटीमीटर 0.05 सेंटीमीटर आ जाएगा ये। इस तरह से बी नंबर का देखें कहते हैं स्क्रू गेज और पिच लेंथ कितना है 1 mm 100 डिवीजन है। तो दूसरा का लिस्ट काउंट लिखेंगे तो 1 mm बटे क्या लिखेंगे 1 mm बटे 100 डिवीजन है ना। तो 100 यहां से क्या आ गया 0.01 mm कितना आ गया 0.01 mm और इसका कितना आ जाएगा mm में सही है ना 0.01 mm और इसका आ गया mm में 0.005 mm ठीक है। इसमें 10 से गुना कर देंगे सेंटीमीटर में आ जाएगा 1 से गुना कर देंगे 100 से गुना कर देंगे मीटर में आ जाएगा ठीक है। अब इसका है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर लेंथ विद वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट जो होता है याद रखना 10^-5 सेंटीमीटर में होता है ना। इसका जो लिस्ट काउंट हो गया वो कितना आ गया 1/0000 सेंटीमीटर इतना आ गया। सबसे ज्यादा लिस्ट काउंट किसका है सबसे कम लिस्ट काउंट किसका है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का इसलिए हो जाएगा मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट ये क्या आ गया मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट ये क्या आ गया मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट कौन सा आ गया सी आ गया। मतलब जिसका लिस्ट काउंट सबसे कम होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं मोर प्रिसाइज है ना। जितना एक्यूरेट वैल्यू आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट देगा उससे कम एक्यूरेट वैल्यू आपको वर्नियर कैलिपर्स देगा और उससे कम आपको कौन दे देगा स्क्रू गेज कौन देगा स्क्रू गेज। इस पर हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जो बताने लायक होगा तभी बता देंगे। क्वेश्चन है बता देते हैं आपके पास एक दो क्वेश्चन और क्वेश्चन हम इस तरह से लाएंगे आपके सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन ये बताएंगे आप लोग भी देख लीजिए IIT 2010 की क्वेश्चन है
ठीक ना। एक क्वेश्चन और बताएंगे, नीट का भी बता देते हैं इसी के साथ। ये क्वेश्चन है ठीक है, इससे आप लोगों के मन में क्या होगा, विश्वास बढ़ेगा और कुछ नहीं है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ये क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा ठीक ना। क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन कहता है ए वर्नियल कैलिपर्स हैज वन एमएम मार्क्स ऑन इच मेन स्केल, जितने भी मेन स्केल इस पे मार्क्स कितना दिया है 1 mm का। इस 20 इक्वल डिवीजन और वर्नियल स्केल, 20 क्या है, 20 इक्वल डिवीजन ऑफ वर्नियल स्केल विच मैच विद 16 मेन स्केल डिवीजन फॉर दिस वर्नियल कैलिपर्स द लीस्ट काउंट इज, लीस्ट काउंट निकालना है, क्या निकालना है, लीस्ट काउंट, क्या फाइंड करना है हमें, लीस्ट काउंट फाइंड करना है ठीक ना। एलसी इक्वल टू क्या जानते हैं, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियल स्केल डिवीजन ठीक है, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियल स्केल डिवीजन। यहां पर देखो तो वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियल स्केल डिवीजन लिस्ट काउंट, यहां से तो 1 MSD दे दिए ठीक है, माइनस यहां पर क्या है कि 20 इक्वल डिवीजन और वर्नियल स्केल विच मैच विद 16 मेन स्केल डिवीजन, मतलब 16 मेन स्केल डिवीजन जो है वो किससे मैच करता है, 20 वर्नियल स्केल डिवीजन से। 16/20 MSD बराबर क्या आ गया, 1 VSD। यहां से क्या दे दिए हम लोग, 16/20 MSD, यहां से क्या आ गया 20 - 16/20 MSD मेन स्केल डिवीजन है ना। यहां से क्या आ गया, यहां से आ गया 4/20 MSD ठीक है, यहां से क्या आ गया 1/5 मतलब 0.2 MSD, 0.2 MSD सही है, 0.2 MSD। अब हमें यह देखना है कि हमारे पास जो है इस क्वेश्चन में इट्स 20 इक्वल डिवीजन तो दे दिया है, लेकिन एक डिवीजन का लेंथ इसमें मेन स्केल का नहीं दिया है, मेन स्केल का क्या दिया है, लेंथ नहीं दिया है। इसको हम लोग क्या कर सकते थे, उल्टा भी करके बना सकते थे, कैसे, 1 VSD बराबर दे दिया, 1 vernier caliper has 1 mm, मतलब 1 vernier scale division का जो लेंथ दे दिया है वो 1 mm दे दिया है, कितना 1 mm। तो यहां से हम लोग अगर निकालते, जैसे यहां से लिखे ना, जैसे लिखे MSD बराबर लिखते क्या आता, 20/16 VSD, ऐसे भी हम लोग बना सकते थे है ना, हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाता। यहां से क्या आ गया 20/, इसको इग्नोर करते हैं, MSD में VSD में रिलेशन देखते हैं, तो 1 MSD बराबर कितना है 20/16 VSD माइनस 1 VSD, यहां से क्या आ गया 16 LCM 20 माइनस 16 VSD ठीक है, तो यहां से आ गया 4/16 VSD, यहां से क्या आ गया 4 × 16 1/4 VSD। अब VSD का कितना है 1 mm, 1 mm बट्टे कितना आ गया 4, 1 mm का 4 पार्ट कितना हो जाएगा 0.mm में है ना, 1/4 mm, 1/4 mm कितना हो जाएगा 0.25 mm, 0.25 पॉइंट दिए गया था, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20,
ये आंसर आ गया। ए वर्नियर कैलिपर्स हैज 1 mm मार्क्स ऑन इच मेन स्केल। सॉरी यार गलती हो गया। यहाँ लिखा है वर्नियर कैलिपर्स के 1 mm मार्क दिया है ऑन मेन स्केल, मेन स्केल में ही दे दिया है 1 mm का, इससे पहले वाला ही सही बना है, इससे पहले वाला ही सही बना था, ठीक ना, इससे पहले वाला ही सही बना था। उसे दोनों हमारे पास उपाय है, दोनों से बना सकते हैं। क्या गया 1 mm एस डी बराबर कितना आ गया 16/20, एम एस डी बराबर कितना आ गया 1 VSD, क्योंकि मार्क्स तो दिया रहता है ना वी एस डी में, दिया एम एस डी में दिया रहता है। यहाँ से कितना आ गया 20 - 16/20 एम एस डी, यहाँ से 16 - 4/20। अब 1 mm स्केल डिवीजन कितना है 1 mm का है, 1 mm का तो 4 × 5 = 20 कितना आ गया 0.2, 1/5 है ना, तो 0.2 mm ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या आ गया लिस्ट काउंट, आंसर इसका आ गया डी। देखो हमें लगा क्या कि वर्नियर स्केल पे 1 mm, यानी कि वर्नियर कैलिपर्स नाम है तो वर्नियर कैलिपर्स के 1 mm मार्क दिया है ऑन द मेन स्केल, मेन स्केल के 1 division कितना लेंथ है 1 mm का लेंथ, कितना लेंथ है 1 mm का। उसमें कहता है कि 20 equal division और वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल का 20 division जो है मेन स्केल का 16 division क्या हो रहा है कॉन्साइड हो रहा है, ठीक ना। फॉर दिस वर्नियर कैलिपर्स द लिस्ट काउंट, इसके लिए लिस्ट काउंट क्या हो गया तो 0.2 mm आ गया, कितना 0.2 mm, आंसर इसका डी। आईआईटी 2010 का क्वेश्चन था, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है नीट का 2018 का, कहता है स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ अ स्मॉल स्टील, एक स्मॉल स्टील का जो है लेंथ मापता है एक स्टूडेंट बाय यूजिंग स्क्रू गेज ऑफ लिस्ट काउंट दे दिया है 0.01 cm, लिस्ट काउंट कितना दे दिया है 0.201 cm, मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm, मेन स्केल रीडिंग कितना करता है 5 mm, इसको mm में बोलो तो क्या हो गया सेंटीमीटर में है ना, मेन स्केल रीडिंग कितनी है तो मेन स्केल रीडिंग जो दे दिया है वो 5 mm, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 0.5 cm, 0.5 cm, mm में 10 से भाग दे देना है तो सेंटीमीटर में आ जाता है, सही है ना। कहते हैं एंड जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कॉन्साइड विथ 25 division, n इक्वल टू कितना आ गया 25 division मैच करता है। Above the reference level, if the screw gauge has zero error of कितना है ये माइनस में इतना नेगेटिव एरर दिया है, इसको लास्ट में जोड़ देंगे तो भाई एल अगर डायमीटर लिखना है तो क्या निकालना होगा मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग कितना है 0.5 cm प्लस एन का वैल्यू कितना दिया है, एन का वैल्यू 25 गुने में क्या आ जाएगा लिस्ट काउंट 0.001 प्लस कर देंगे 0.004, यहाँ से कितना आ गया 0.5 cm, सबको सेंटीमीटर में बदल लिया है जैसे यहाँ 5 mm है 0.5 cm कहेंगे 5 mm को, है ना। हाँ तो यहाँ से आ गया 0.5 cm प्लस यहाँ से देखो तो आ जाएगा 0.025 प्लस 0.004, यहाँ से क्या आ गया 0.5 cm आंसर, इसका भी आंसर कौन आ रहा है डी, इसका भी फाइनल आंसर कौन आ गया डी, ठीक है, इसका भी फाइनल आंसर कौन आ गया डी। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बिल्कुल पहलवान लाइव थे, अब लाइव खत्म हो चुका है, ठीक ना।
अभी लाइव था, अभी लाइव खत्म हो चुका है। वैशाली शर्मा, आप लोग टाइम पे नहीं आए हैं तो अब रिकॉर्डिंग प्ले कर देंगे, ठीक है?